तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल जो बैली एक्सरसाइज लेके आया हूँ। इसे अपनी रूटीन में ऐड करने से आप अपना जो डेफिनेटली वेट है जो कम कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको रोज अपने वर्कआउट में इसे लगाना है तब आप डेफिनेटली आप अपना जो वेट कम कर सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो जो एक्सरसाइज है वो तो आपका ठीक लगा रहे हैं, जैसे कि जो कैलरी यूटिलाइजेशन है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका जो कैलरी इनटेक ठीक नहीं है तब आपको जो वेट या अपना बैली फैट कम करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो बैली फैट है जो अपना वेट है वो जल्दी से अच्छे से कम कर पाए तब आपको अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके जो गाड़ी होती है उसके दो पहियों में हवा ठीक है और लेकिन दो उसके जो अगले जो पहिए है या पिछले पहिए है उसमें जो हवा नहीं है तो आप जो गाड़ी है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसी तरह अगर हमारा वर्कआउट तो ठीक है, हमारा कैलरी यूटिलाइजेशन ठीक है, लेकिन हमारी जो कैलरी इनटेक है, हमारी जो न्यूट्रिशन है या हमारा जो कैलरी हम डेफिसिट में नहीं जाते हैं तब हमारा जो वेट है वो इतना या बैली फैट इतना जल्दी से वो कम नहीं होगा। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना है, मतलब ना कैलरी यूटिलाइजेशन में और कैलरी इनटेक में। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 Breathe out in. Four, five, six, seven, breathe out, breathe in. Four, five, six, seven, breathe out, breathe in. जो आपने अपनी आर्म रखने वो अपने शोल्डर के लेवल से रखनी है, यहां से आपने अपनी हिप को लिफ्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5 Breathe out, breathe in. अब इसी तरह से हम दूसरी साइड लगाएंगे।
ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट इन आउट इन आउट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन 30